युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में इरबा में हुई घटना पर परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए परिजनों के घर जाकर मुलाकात की। रंजन कुमार यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के युवा पदाधिकारियों ने मुलाकात के दौरान अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य की महागठबंधन की सरकार की ओर से उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुआवजे का जो भी प्रावधान होगा उसको लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। ठीक है सर, इस तरह से का जो घटना घटा और एक ही परिवार के जो तीन रिलेशन है और जो पहले से डूब रहे थे उनके साथ जो इस दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, उनके साथ जो इस दुख का पहाड़ जो उनके ऊपर टूटा, इसके लिए जितना हम बोले कम है और हम भगवान उनको जो चले गए उनको शांति दे और जो परिवार हैं उनको इस तरह की घड़ी को सहने की क्षमता दे। और हम लोग आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के टीम एक आई है जिसमें कि हम लोग इनको इनके दुख की घड़ी के लिए आज खड़े हैं। जो भी इनकी सहायता हो, हमारे मुखिया जी हैं यहाँ आए हुए हैं, मुखिया जी से हम लोग बात किए हैं और मुखिया जी से हम लोग इनके बारे में रिकमेंड करा रहे हैं जिनके साथ जो घटना घटी, इन सारी घटना का रिपोर्ट मुखिया जी बढ़ाएंगे आगे और होते हुए ऊपर तक जाएगा और जो इसका प्रावधान है सरकार की तरफ से उसको हम लोग मुहैया कराएंगे और इनके साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल की टीम खड़ी है। ये राष्ट्रीय जनता दल जो है जिसका कि मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो दुख सुख दुख में ही शामिल रहते हैं और उनका स्पष्ट निर्देश रहता है कि जनता की सेवा करना ही राष्ट्रीय जनता दल का पहचान है। उसी के तहत उन्हीं के निर्देश पे हम लोग वो सारा काम करते हैं और हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और किसी का भी सुख दुख में उसमें हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। देखिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें बिना भेदभाव बिना जात पात को देखे हो, चूंकि ये लोग नहीं जान रहे थे कि किस जाति के है वो, ये लोग ने ये देखे कि वो डूब रहा है, एक इंसान है, इंसान के बचाने के लिए ये तीनों ने अपना जान की कुर्बानी दी है। उसके लिए हम फिर से एक बार उन लोग के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख की सहन करने की क्षमता दे। प्रदेश प्रवक्ता रवि प्रकाश जायसवाल ने कहा है कि इस घटना में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की भी बात आई है। हिंदू समुदाय के एक लड़के को बचाने के लिए तीन लड़कों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दे दी। अभी जैसे कि कुल मिलाकर चार लोगों का मृत्यु हुआ है और इस संबंध में तो सबसे पहले मैं उन लोगों के शोक व्यक्त करता हूं, उनके परिजनों के साथ हूं। हमने अभी तुरंत डीसी महोदय को फोन किया, राजू डीसी महोदय को, उनसे बात हुई है हमारी। हमने मुख्यमंत्री के पीएस अभिषेक जी हैं जिन्हें पिंपरी कहते हैं, उनसे बात हुई है। हमने यहां के स्थानीय सीओ से बात किया है और हम आग्रह किए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस में जैसा कि उन्होंने बताया कि 27 तारीख तक पास निर्गत करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये गरीब परिजन है, मृत्यु हुई और इनके साथ 30 से 35 लोग यहां फंसे हुए हैं और हम अपने स्तर से अभी जस्ट हमने ट्वीट भी किया है मुख्यमंत्री महोदय को और राजेश कच्छप जी को जो यहाँ के प्रतिनिधि है, विधायक है, आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं या तो वो 30 से 35 लोग जो फंसे हुए हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए या तो उन्हें बस का पास निर्गत करा करके पटना ले जाने की सुविधा प्रदान किया जाए। गाइडलाइंस को जो भी बदलाव होता है सरकार के मद्देनजर इसमें सरकार को पहल करके करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक हिंदू को बचाने के लिए आज मुस्लिम समुदाय के तीन लोग मर गए हैं, ये धर्म के ठेकेदारों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं, जो सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस मैंडेट के लोग होते हैं जो हर जगह मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं, तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं, उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार, आज इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आए जो बोलते हैं कि हम हिंदुओं का ठेका लेके रखे हैं, आज वो कहाँ हैं? आज उनके हिंदू को बचाने के लिए तीन मुसलमानों ने शहीदी दे दी, कहाँ है वो? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए इनके परिजनों से और इनके परिजनों से मिल करके कम से कम शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए। इस तरह का झूठा धर्म का ठेकेदार मत बनिए, हम आपको आगाह करना चाहते हैं, देश की जनता जाग चुकी है, अब आपका हथकंडा नहीं चलेगा। इस मौके पर अभी तक स्थानीय विधायक
का परिजनों से नहीं मिलने जाना पर गांव वालों ने शोक व्यक्त और रोष जताया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के इस पहल की चर्चा चारों ओर है कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय घर गए और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके उनको शोक संवेदना व्यक्त की। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति पीड़ित परिवारों ने आभार भी जताया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।